हेलो गुड इवनिंग कैसे आप सभी लोग आई होप सभी एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे तो आज हम करने वाले हैं अपना ना बी पी एस सी वनडर ट्वेल्व का यूनिट फोर भक्ति तो यूनिट थ्री तक हमने कंप्लीट कर लिया है आज हम भक्ति करने वाले हैं और इसका पार्ट वन होने वाला है क्योंकि काफ़ी बड़ा यूनिट और मैं आपके दिमाग की खिचड़ी नहीं बनाना चाहती तो इसलिए हम सेकेंड पार्ट के अंदर इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे आज हम हाफ टॉपिक कवर करेंगे और बचा हुआ टॉपिक मैं आपको कल करा दूंगी नेक्स्ट पार्ट के अंदर ठीक है ज्यादा मैं खींचूंगी नहीं क्योंकि दिसंबर में पेपर है कल मैं पक्का आपको सेकेंड पार्ट मिल जाएगा तो आज जो आपका टॉपिक होने वाला होता है भक्ति अपने भक्ति के बारे में सुना ही होगा अब तुम तो बहुत भक्ता नहीं हो है ना तुम लोग तो बहुत भगत नहीं बन रहे हो भक्ति मतलब एक तरीके से भगवान के थ्रू प्रेम होना भगवान के प्रति एक प्रेम होना एक डिवोशन रखना उसको बोलते हैं भक्ति ठीक है भक्तों तो वही होता है भक्ति तो इसमें कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं पहले हम समझेंगे कि भक्ति ने कहीं ना कहीं एक रिएक्शन करा जो हिंदू सोसाइटी के अंदर एवरेस्ट थे उनके अगेंस्ट मतलब जो जो कमियां थी हिंदू सोसाइटी के अंदर उसके अगेंस्ट इनका एक रिएक्शन था ये और इसको काफ़ी ज़्यादा चैलेंज मिलता है क्या मिलता है वो देखने वाले हैं सुफीजम का कैसे इन्फ्लुएंस पड़ा भक्ति के अंदर वो देखेंगे और कैसे जो भक्ति ट्रेडिशन है उसके अंदर एनरिचमेंट होता है वो एकदम से डाइवर्स होता है साउथ के अंदर भक्ति ट्रेडिशन कब स्टार्ट हुआ कौन कौन सा था वो सारे देखने वाले हैं फिर उसके बाद हम नॉर्थ का भक्ति का मूवमेंट देखेंगे फिर उसके बाद हम रिलीजियस भक्ति मूवमेंट की बात करेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही होने वाला है मतलब जितना आपके सामने टॉपिक रखे हुए हैं उतना ही मैं आपको करा, कवर कराऊंगी वो ये वाले टॉपिक मैं आपको कल कवर कराऊंगी ठीक okay. है तो आज हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन भक्ति होता क्या है फिर उसके बाद इसके अंदर डाइवर्सिटी की बात करेंगे नॉर्थ के अंदर भक्ति ट्रेडिशन साउथ के अंदर भक्ति ट्रेडिशन और रिलीजियस भक्ति ट्रेडिशन ओके तो स्टार्ट करते हैं हम अपना इंट्रोडक्शन से इंट्रोडक्शन के अंदर बोला जाता है कि जो भक्ति मूवमेंट है जो भक्ति एक आंदोलन है ये एक रिलीजियस मूवमेंट है ये एक धार्मिक आंदोलन है इंडिया के अंदर जो लोगों को एक सिंपल और एक डायरेक्ट वे देते हैं अपने भगवान से कनेक्ट होने का मतलब ये एक ऐसा रास्ता है ना जिससे तुम अपने भगवान से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो इसका मेन आइडिया डिवोशन का भक्ति का कि तुम्हारा क्या होना चाहिए भगवान के प्रति एक प्रेम होना चाहिए जिससे तुम तो मोक्ष प्राप्त कर सकते हो लोग पूजा वगैरह क्यों करते हैं लोग इतना प्रेम क्यों करते हैं अपने भगवान से क्योंकि उनको मोक्ष चाहिए उनको ये मरण आजमन मरण का और फिर दोबारे से जन्म लेना ये पूरा एक साइकिल चला हुआ है इससे इन सबको निकलने का है ठीक है और मोक्ष प्राप्त करना है तो इसके लिए एक रास्ता है क्या भक्ति ये फोकस करता है डिवोशन के ऊपर ठीक है इनका जो फोकस है वो डिवोशन के ऊपर है और ये ऐसा नहीं कि अभी भी स्टार्ट हुआ है इसके बारे में हिंदुइजम के अंदर बहुत सालों पहले हजारों सालों पहले लिखा हुआ है मेंशन है ये हमारे पुराने टेक्स्ट के अंदर जैसे वेदा भगवत गीता के अंदर भक्ति के बारे में लिखा हुआ है जैसे गीता हमको तीन रास्ता बताती है भगवान तक पहुंचने के लिए कि अगर आपको भगवान तक पहुंचना है तो उसके लिए तीन रास्ते है पहले गना गना मतलब तुम्हारे पास ज्ञान होना चाहिए तुम्हारे पास नॉलेज होनी चाहिए उसके थ्रू तुम क्या कर सकते हो भगवान तक पहुंच सकते हो दूसरा होता तो है कर्मा कर्मा से ऊपर तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई कुछ नहीं होता तुम्हारा कर्म अच्छा है तो शायद भगवान तुम्हारा साथ भी देंगे और कहीं ना कहीं तुम बुरे कर्म कर रहे हो फिर बोल रहे हो कि मैं अच्छा इंसान हूं तो और फिर आने वाला कल तुमको पता चल जाएगा फिर अगर बुरे कर्म कर रहे हो तो कर्म का कर मतलब होता है गुड एक्शन कि अच्छे कर्म करो ये मैं सबसे बोलना चाहूंगी कि आप लोगों को भी एक अच्छा कर्म तो करना ही चाहिए मतलब अच्छा कर्म मीन्स कि तुमको जो काम कर रहे हो ना वो अच्छा करो बुरे काम मत करो सोसाइटी के अंदर जितना भी नेगेटिव वर्क है वो आप लोगों को भी पता है कि बुरा कर्म क्या होता है ये छोटे बच्चे नहीं हो जिसको मुझे बताने की जरूरत है कि बुरे कर्म क्या है हर किसी को पता है बुरे कर्म क्या होता है और उसके लिए बुरा कर्म क्या है वो मत करो कि आपके फ्यूचर को ही खराब कर रहे हैं मैं एक भक्ति की तरह आपको नहीं बता रही हूँ बट आपकी लाइफ के लिए बता रही हूँ अच्छे कर्म करो एक तरीके से देख के रखो ना कि यार भगवान हमको देख रहा है हम जो कर रहे हैं ना वो भगवान देख रहा है अब तुम आज पढ़ने के लिए बैठे हो लेकिन तुम उससे पहले कभी पढ़ ही नहीं हो कल आ, कल से पहले तुमने कभी पढ़ाई नहीं करी है और तुम्हारा कल एग्जाम है तो तुम को पता है तुमने क्या कर्म करा है और तुम आज बैठ के दो मिनट में ही एकदम पढ़ने के लिए आ गए तो तुमको अपना कर्म पता है ना तो वही होता है कर्मा कि अच्छे कर्म करो छोड़ो यार या ये सारी चीजें ठीक है तो भगवत गीता के अंदर तीन रास्ते बताए गए हैं भगवान तक पहुंचने के लिए पहला नॉलेज दूसरा कर्मा अच्छे कर्म और तीसरा भक्ति कि भगवान से प्रेम करके आप क्या कर सकते हो भगवान तक पहुंच सकते हो अब ये जो मूवमेंट है स्टार्ट होता है नाइन्थ सेंचुरी के अंदर और ये 16 सेंचुरी तक चलता है क्या बोला कि जो आंदोलन था भक्ति मूवमेंट था ये टाइन्थ सेंचुरी के अंदर स्टार्ट होता है और सिक्सटीन सेंचुरी तक चलता है इस टाइम पर जो हिंदू सोसाइटी थी वो उसके अंदर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल थे कास्ट सिस्टम था तो काफ़ी ज़्यादा कास्ट रिजिड सिस्टम था जहाँ पे लोगों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके रखा था अब इससे लोगों को काफ़ी ऐसा लग रहा था कि कुछ जो लोअर क्लास के लोग थे जो सॉरी जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको फील हो रहा था कि हमारे साथ जो ट्रीट किया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अनफेयर है इस टाइम पे रिचुअल्स काफी कॉम्प्लिकेटेड थे सोशल डिवीजन काफी कॉम्प्लिकेटेड थी जो स्पेशली लोअर क्लास के लोग थे उनको ऐसा लग रहा था कि यार हम तो भगवान से ये रिलीजियस से कभी जा ही नहीं सकते तुमने खुद ने देखा होगा कि पहले जो अनटचेबल्स होते थे उनको मंदिर में जाने की अनुमति ही नहीं थी वो मंदिर में जा ही नहीं सकते तो तुमको लगता है वो लोग पूजा पाठ करके भगवान से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे जो उनको पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं है तो वो कैसे अपने आप को रिलीजियस से धर्म से कनेक्ट कर पाएंगे है ना, ना तो ये सारी चीजें हमारी हिंदू सोसाइटी के अंदर क्या कर रही थी एग्जिस्ट कर रही थी भक्ति मूवमेंट ने ये सारी चीजों को चेंज कर दिया क्या कर दिया इन सारी चीजों को बदल दिया लोगों को एनकरेज करा कि भाई देखो आपको क्या करना है एक पर्सनल और एक लविंग रिलेशनशिप बनाना है किसी भगवान से पर्सनल ये तुम्हारा खुद का रिलेशनशिप होगा इसके अंदर सोसाइटी का कोई मतलब ही नहीं है सोसाइटी हवा खाने के लिए तुम्हारा प्रेम भगवान के प्रति तुम्हारा है तुमको अपने आप से भगवान को क्या करना है कनेक्ट करना है इसके लिए तुमको कोई परिष्ट पंडित वगैरह को लेकर आने की जरूरत नहीं है कोई बड़ा यज्ञ वगैरह कराने की कोई जरूरत नहीं है बस पूजा करो भगवान से अपने आप को कनेक्ट करो भगवान से प्रेम करो किसने बोला भक्ति मूवमेंट ने बोला ठीक है आगे हम बात करते हैं रिस्पॉन्स ऑफ सोशल इशू भक्ति मूवमेंट ने कैसे रिस्पॉन्स करा जो समाज के अंदर ईशो थे उनके अगेंस्ट तो भक्ति मूवमेंट इंपोर्टेंस देता है जो सोशल जो हिंदू सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम थी उनको रिस्पॉन्ड करते हैं ओके okay? उस टाइम पर जितनी भी प्रॉब्लम थी हिंदू सोसाइटी के अंदर उसको क्या करा इसने रिस्पॉन्स करा जैसे कास्ट सिस्टम कास्ट सिस्टम और बहुत बड़े बड़े रिचुअल्स बहुत बड़े बड़े रिचुअल जो कि ऑर्डनरी लोगों के लिए काफी बड़ा बैरियर बना रहे थे वो अपने आप को धर्म से एक्सक्लूड फील कर रहे थे कि हम तो कभी धर्म से अपने आप को कनेक्ट ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ कराना इतना बड़ा रिचुअल कराना ये तो हमारे बस की ही नहीं है होएगा ही नहीं इतना पैसा ही नहीं है मतलब गरीब इंसान है या फिर लोअर कास्ट का लोग है उसको धर्म के प्रति उससे कनेक्शन नहीं होगा तो इस चीज को इसने काटा भक्ति मूवमेंट ने ऑफर करा एक सिंपल अप्रोच कि तुम तो भगवान के लिए अपना एक डिवोशन रखो और ये ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप के लिए हर कोई भक्ति के थ्रू भगवान से अपने आप को कनेक्ट कर सकता है कोई इसके अंदर लिमिटेशन नहीं रखी गई कोई कास्ट के लोगों को नहीं रखा हर कोई किसी भी बैकग्राउंड का किसी भी कास्ट का वो आके भक्ति कर सकता था भगवान से अपने आप को कनेक्ट कर सकता था अब भक्ति मूवमेंट के अंदर इस्लाम का क्या इन्फ्लुएंस हुआ थर्टीन सेंचुरी के अंदर जो इस्लाम था वो काफ़ी ज्यादा फैल चुका था थर्टीन सेंचुरी के अंदर इस्लाम काफ़ी ज़्यादा फैल चुका था इंडिया के अंदर इनका जो आइडिया वो ये है कि एक भगवान एक भगवान है इक्वालिटी की बात करते हैं और कास्ट डिवीज़न को ये अब्सेंस की बात करते हैं कि हिंदू सोसाइटी के अंदर कास्ट डिवीज़न नहीं होना चाहिए स्पेशली बात करते जो कास्ट सिस्टम के अंदर डिसएडवांटेजेस ग्रुप है उनकी भक्ति मूवमेंट इन सब चीजों को अडॉप्ट करता है कि यार भगवान का एक एक भगवान के ऊपर ही फोकस करते हैं जो सोशल डिविजन हिंदू सोसाइटी के अंदर थी उसको रिजेक्ट करते हैं और हिंदुज्म को काफी इंक्लोजिंग इंक्लूसिव और अपीलिंग बनाते हैं ठीक है इसी इस चीज से इन्फ्लुएंस होके भक्ति मूवमेंट इन्फ्लुएंस हुई ओके आगे हम बात करते हैं सोफियजम का क्या इन्फ्लुएंस था भक्ति मूवमेंट के ऊपर सूफिज्म एक मिस्टिकल फॉर्म है किसका इस्लाम का मिस्टिकल फॉर्म है किसका इस्लाम का यहाँ पे लोग फोकस करते हैं जो सूफी सेन होते हैं वो क्या करते हैं फोकस करते हैं लव के ऊपर भगवान क्लोजनेस uh, के ऊपर कि गोड से क्लोज रहो ये इन्फ्लुएंस भक्ति इन्होंने कहीं ना कहीं, कहीं इन्फ्लुएंस करा किसको भक्ति मूवमेंट को सूफी सें जैसे ख्वाजादी मुदी, मोहनुद्दीन निजामुद्दीन आलिया ये बात करते हैं पीस की शांति की प्रेम की दयालु की ठीक है दया की कि तुमको लोगों के प्रति के एक शांति पूर्वक लोगों से बात करना चाहिए ऐसे तुमसे कोई तुम्हारा नाम पूछ रहा है या पता कोई तुमसे पता पूछ रहा है तुम उसे चिल्ला के बोल रहे हो ये क्या एटीट्यूड लेके घूम रहे हो शांति से लोगों से बात करो शांति बनाकर रखो लव प्रेम करो लोगों से है ना kindness दया रखो कि तुम्हारे सामने अगर किसी को कोई दिक्कत हो रहा है तो उसकी हेल्प करो कौन बोलते हैं ये सूफी सिंध बोलते हैं इन सब आइडिया से हिंदू जो हिंदू हिंदू सिंह थे वो इंस्पायर हुए और उन्होंने भी लव की बात करी डिवोशन की बात करी ना कि किसी रिचुअल और ना ही किसी सोशल डिविजन की तो काफी लोग ऐसा लग रहा था काफी लोगों को पहले कि जो हिंदू टीचिंग है वो काफी है है कॉम्प्लेक्स और उसको समझना काफी हार्ड है लेकिन भक्ति ट्रेडिशन ट्रेडिशन ने भक्ति मूवमेंट ने क्या करा लोगों को एक सिंपल रास्ता दिया कि आप अपने आप को भगवान तक पहुंचा सकते हो एक पर्सनल वे के थ्रू जहां पे आप भगवान के प्रति एक लव और एक डिवोशन के थ्रू भगवान को अपने आप से कनेक्ट कर सकते है। ठीक है तो ये रहा हमारा भक्ति मोमेंट आई होप आप लोगों को समझ पे आया होगा तो भक्ति मोमेंट कब स्टार्ट हुआ फिर उसके बाद इसने कैसे हिंदू की सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी उनको रिस्पॉन्ड करा इस्लाम का क्या इंफ्लुएंस रहा सूफी का क्या इंफ्लुएंस रहा ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया आगे चलते हैं हम डाइवर्सिटी के इन रिच डाइवर्सिटी इन भक्ति ट्रेडिशन अगर आप आज नॉर्थ इंडिया के अंदर देखोगे जो भक्ति होती है वो अलग तरीके की होती है साउथ के अंदर अलग होता है थोड़ा थोड़ा हम बोल सकते हैं कि मतलब थर्टी फोर्टी परसेंट कुछ सेम सेम होता है लेकिन आपको अलग दिखेगा कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखेगा ये डाइवर्सिटी कैसे आई है ये डाइवर्सिटी कैसे आई है भक्ति ट्रेडिशन के अंदर उसकी हम बात करते हैं ओके एक मिनट बस पानी पीने का है आप खुद से एक बार पढ़ के देखो इसको काफी दिनों बाद बोल रही हो ना तो कंटिन्यू बोला नहीं जा रहा है हाँ जी भक्ति मोमेंट भक्ति मोवमेंट अभी मैंने आपको बता दिया कि इंडिया के अंदर एक रिलीजियस मूवमेंट है जो पर्सनल कनेक्शन की बात करते हैं भगवान से एक सिंपल रास्ता देता है कि आप स्पिरिचुअल सालवेशन प्राप्त कर सकते हो मोक्ष प्राप्त कर सकते हो इस रास्ते के थ्रू अब ये स्टार्ट हुआ साउथ इंडिया के अंदर भक्ति मूवमेंट स्टार्ट होता है कहाँ पे साउथ इंडिया के अंदर और साउथ से चलता 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 ये नॉर्थ तक फैलता है साउथ से चलता 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 है कि नॉर्थ तक पहुंच जाता है ओके okay? और इसी से हमारे इसमें डायवर्सिटी आती है काफी ज्यादा ब्लीव और काफी ज्यादा प्रैक्टिस हमको इसके अंदर दिखते हैं अब साउथ के साउथ इंडिया के अंदर भक्ति ट्रेडिशन की बात करते हैं तो साउथ के अंदर भक्ति एक भक्ति जो साउथ के अंदर था वो नॉर्थ के अंदर क्यों नहीं आया मतलब ऐसा क्या है जो पहले साउथ के अंदर आया फिर साउथ से फैलता फैलता नॉर्थ के अंदर आया सीधा नॉर्थ के अंदर ही क्यों नहीं आ गया भक्ति मूवमेंट नॉर्थ से ही क्यों नहीं हुआ है ना ये भी सोचने की बात है ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भक्ति की जगह नॉर्थ के अंदर मुस्लिम्स का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था नॉर्थ के अंदर जो मुस्लिम था उनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था ओके इसलिए साउथ इंडिया के अंदर जो भक्ति ट्रेडिशन है वो एमर्ज होता है जिसका एम था हिंदू के वर्शिप करना और इसको एक असेसेबल और डार्क रास्ता बनाना अब कुछ फिगर्स की हम बात करते हैं आदि शंकराचार्य है, जो कि काफी ज्यादा प्रोमिनेंट सेंट है ये नाइन सेंचुरी के अंदर सेंट थे इन्होंने बात करी अद्विता वेदांता की नॉन डुअलिज्म नॉन डुअलिज्म का क्या मतलब होता है कि देखो भाई कुछ दो नहीं है तुम सोचते हो ना कि भगवान अलग है मैं अलग हूं मेरी आत्मा अलग है और भगवान अलग है अल्टीमेट रियलिटी मतलब ब्राह्मण ब्रह्मा जो ब्रह्मा जिसको गोड को बोलते हैं ब्रह्मा है ना तो वो बोलते हैं कि भगवान और तुम अलग नहीं हो भगवान और तुम्हारी आत्मा अलग नहीं है इनका कहना है नॉन डुविलीजन मतलब दो नहीं है आप सोच रहे हो ना कि भगवान को अपने आप से कनेक्ट करने का है जब तुम्हारे अंदर खुद भगवान है तो तुम क्यों कनेक्ट करोगे इन्होंने प्रमोट करा यूनाइटेड हिंदू कल्चर मतलब हिंदू कल्चर को यूनाइट करने के लिए और इन्होंने चार मथास करा मतलब रिलीजियस रिलीजियस सेंटर अक्रॉस इंडियाबलिश करा था ओके okay. आगे हम बात करते हैं अलवार्स अलवर ये ट्वेल्थ सीन थे अलवर जो ट्रेडिशन था इसके अंदर ट्वेल्थ सीन थे जो पूजा करते थे किसका विष्णु भगवान का ओके okay. ये कास्ट सिस्टम को फेवर नहीं करते थे काफी ज़्यादा डिस्कार्ड करते थे बोलते थे इस चीज़ को हम फेवर नहीं करते हैं। यहाँ पे हम कुछ संत वगैरह की बात करें तो नाम मालवार और आंदाल इन्होंने अपने डिवोशन को तमिल लैंग्वेज में फैलाया और वर्षिप को अपनी पूजा को बनाया असेसेबल सभी के लिए तमिल लैंग्वेज है हर कोई समझ सकता है दिव्यापर्धनम ये इनका खुद का वर्सिस है जो इंस्पायर करता है लोगों को मतलब जो इनके डिवोशन थी उन सबको इन्होंने अपनी प्रैक्टिस को जो भी इनकी डिवोशनल प्रैक्टिस को पूरे रीजन में फैलाया ठीक है दिव्या के है? एक बुक है एक टिक्स हम बोल सकते हैं मियानास मियानास यहाँ पे सिक्सटी थ्री थे जो अलवर्स थे वो पूजा करते थे विष्णु भगवान का यह आपने क्लास ट्वेल्थ की हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा क्लास ट्वेल्थ की एन सी बुक उसके अंदर फर्स्ट ही चैप्टर है भक्ति ट्रेडिशन वाला उसके अंदर ये सूफी सेंट गुरु नानक जी मीरा भाई और ये अलवार स्नानस इनके बारे में सब के बारे में मेंशन है ये आंडाल और यहाँ पे हम एक और नाम पढ़ेंगे अपर इनके बारे में मेंशन में है इनका खुद का अलग से एक फोटो भी दिया हुआ है देखा होगा आपने याद हो तो भाई मैंने तो ट्वेल्थ की हिस्ट्री पढ़ी है मेरे को तो अच्छे से याद है तो न्यानर्स क्या होते हैं ये पूजा करते हैं शिवा का लॉर्ड शिवा का पूजा है, करते हैं विप करते हैं और अलवार किसका करते हैं विष्णु का अब इसमें ना तुमको काफी कंफ्यूजन होगा कि अलवर किसका पूजा करते हैं विष्णु का कैसे तो मैं बताती हूँ इसको कैसे मतलब एक तरीके से याद करने का मेरा एक खुद का ट्रिक था अलवार वा, वा याद रखना वा विष्णु ठीक है अलवार वी आ रहा है ना वा आ रहा है ना अब तुम वी वा में कंफ्यूज नहीं होना अलवार है तो विष्णु ठीक है न्यानार्स शिवा ऐसे याद रखना है तुमको एक याद हो गया तो न्यानार्स शिवा ही होगा ना अब न्यानार्स क्या कर देते थे शिवा भगवान का क्या करते थे वर्शिप शिव करते थे यहाँ पे ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलर एक सोशल है के लोग आके पूजा कर रहे हैं। नहीं कु की बात करें अपर अपार और साम बार साम बंदार ये पूरा का पूरा अपना डिवोशन देते हैं शिवा को और ये बात करते हैं कास्ट डिवीजन के अगेंस्ट और ये अपने मतलब जो पूजा होती है उसको हर एक लोगों तक पहुंचाते हैं ठीक है ऐसा नहीं है पर्टिकुलर कैटेगरी तक इन्होंने पर्टिकुलर सोशल ग्रुप तक पहुंचाया नहीं इनके जो तो फॉलोवर है वो अलग अलग मतलब अलग अलग सोशल ग्रुप से है। तो ये हुई हमारी साउथ इंडिया की भक्ति ट्रेडिशन जहाँ पे पहले हमने आदि शंकराचार्य फिर अलवर्स और फिर न्यानार्स की बात करी ठीक है

वहाँ के सोशल और रिलीजियस इन्वायरमेंट से फिट होने की कोशिश करी इन्फ्लुएंस करा सोफिजम से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ कौन हमारा नॉर्थ इंडिया के अंदर भक्ति ट्रेडिशन तो भक्ति ट्रेडिशन नॉर्थ इंडिया के अंदर पहला आता है निर्गुना ट्रेडिशन निर्गुना ट्रेडिशन मतलब भगवान का कोई एक फॉर्म नहीं है मैं तुमको एक मूर्ति बना के दे दूँ और बोल दू कि ये भगवान है बोलते हैं कि भगवान को तुम बना ही नहीं सकते क्योंकि भगवान का पर्टिकुलर एक फॉर्म है ही नहीं तो तुम कैसे भगवान को प्रेजेंट कर सकते हो कि ये भगवान है जैसे कबीर गुरु नानक रायदास ये बात करते हैं भगवान का कोई फॉर्म ही नहीं है और इसलिए आपको कोई किसी कास्ट का होना किसी रिचुअल्स को प्रैक्टिस करना इसकी कोई जरूरत नहीं है कुछ भी मैटर नहीं करता ये बात करते हैं तुमको भगवान के प्रति लव करना है तुमको भगवान के प्रति क्या होना है प्रेम करना है उनकी उनके प्रति एक डिवोशन रखना है इनकी जो टीचिंग होती है वो हर एक इंसान के लिए पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग ही इस पूजा को कर सकते हैं नहीं इन्होंने क्वालिटी को इम्पोर्टेंट दी और कम्पे uh, को इम्पोर्टेंट दी सगुन भक्ति सगुन भक्ति बोलते हैं कि भाई देखो भगवान का एक फॉर्म है जैसे हम लॉर्ड शिवा की पूजा करते हैं तो शिवलिंग के थ्रू एक पूजा करते हैं एक भगवान की मूर्ति के थ्रू हम क्या करते हैं पूजा करते हैं लॉर्ड शिवा का यही होता है ना

हम उनकी पूजा करते हैं कैसे कि उनका कोई फॉर्म ही नहीं है ऐसा नहीं है अल्लाह की किसी ने कोई मूर्ति वगैरह बना के रखी है बोलते हमारे भगवान है नहीं ना तो ऐसे ही जब उन्होंने कोई फॉर्म नहीं रखा उसको बोलेंगे निर्गुण भक्ति सगुन भक्ति जब आप भगवान की एक मूर्ति बना देते हो कोई फॉर्म बना देते हो उसको बोलते हैं सगुन भक्ति जैसे सेंट रामानंदा मीरा भाई और तुलसीदास ये प्रमोट करते हैं शगुन भक्ति को ये किस भगवान का डिवोशन रखते हैं कृष्णा और रामा को रिजेक्ट करते कास्ट हरारकी को और बात करते हैं लोकल लैंग्वेज में इनकी जो टीचिंग है वो कॉमन लोग असेस कर सकते हैं क्योंकि जो इनके लैंग्वेज लैंग्वेज इन्होंने यूज़ करा है वो लोकल लैंग्वेज है तुलसीदास ने एक बुक लिखी थी रामचरित मानस अभी कुछ दिन पहले अभी कुछ टाइम पहले तुलसीदास का आई थिंक कुछ दिन गया था मुझे वो दिन याद नहीं आ रहा है बट मेरे क्या है मेरे भतीजे की और भतीजे की छुट्टी थी उस दिन तो उस दिन मैंने गूगल पर सर्च करा तब आया था, था तो तुलसीदास कुछ ऐसे समथिंग था अभी दिवाली से पहले छुट्टी था उनका तो तुलसीदास ने क्या करा था रामचरित मानस को हिंदी के अंदर लिखा था रामचरित मानस मतलब रामायण को हिंदी में लिखा था और काफ़ी लोग इसको कॉस कर पाए हिंदी लैंग्वेज तो यार लोग इतना इजीली बोलते हैं तो लोग पढ़ भी पाए और उसको समझ भी पाए रिलीजियस भक्ति ट्रेडिशन अब ऐसा नहीं था नॉर्थ के अंदर ये निकल रहे है, सगुन निर्गुण और साउथ के अंदर हमने कौन सा पढ़ा अलवास न्यानाश और कौन सा पढ़ा आदिशंकराचार्य का तो दो तीन हमने वहां पे पढ़ा और नॉर्थ के अंदर ये पढ़ा लेकिन रिलीजियस भक्ति ट्रेडिशन भी था बंगाल के अंदर जैसे हम बात करते हैं भक्ति ट्रेडिशन बंगाल के अंदर ये फोकस करता है कृष्णा और राधा की लव स्टोरी के ऊपर यहाँ पे सीन जैसे चैतन्य ये स्प्रेड करते हैं डिवोशन को एक एस्टिक एस्टिक वे में ठीक है इनसे वे में मतलब एक सिंगिंग के थ्रू डांसिंग के थ्रू ये अपने डिवोशन को दिखाते हैं इसको हम सं कीर्तन बोलते हैं संकीर्तन बोलते हैं जो एक इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं किसके थ्रू भगवान के प्रति ठीक है इनका ये कोशिश करते हैं भगवान के प्रति एक इमोशनल कनेक्शन बनाने का और इनकी जो पूजा होती है वो एक सिंगिंग में या डांसिंग के थ्रू होती है ठीक उस, है महाराष्ट्र के अंदर जानेश्वर और तुकुराम तुकाराम, तुकाराम ये वितोबा वितोबा एक कृष्ण जी भगवान का एक फॉर्म है उन्हीं का ही रूप है जिसकी पूजा करते हैं ये प्रमोट करते हैं इक्वालिटी का और इस मूवमेंट को हम वर्कारी ट्रेडिशन भी बोलते हैं और ये सभी के सभी पिलग्रिमेज़ करते हैं मतलब तीर्थ यात्रा पे जाते हैं और अपनी डेली लाइफ में डिवोशन भक्ति प्रैक्टिस करते हैं डुलिज्म द्विता माधवा इसको डुअलिज्म को क्या करती है लीड करती है ये बोलती है भगवान और हमारा जो आत्मा है वो अलग अलग है सेपरेट है दो सेपरेट एंटिटी है ठीक है दो सेपरेट एंटिटी है अभी हमने देखा ना कि भगवान का कोई फॉर्म नहीं है किसने बात करी थी जल्दी बताओ आदि शंकराचार्य ने उन्होंने नॉन डुलिज्म की बात करी थी लेकिन यहाँ पे माधवा क्या बोल रही है बोल रही है कि देखो भाई ये डुलिज्म की बात कर रही है जैसे शंकराचार्य ने बात करा ना नॉन डुअलिज्म का तो ऐसे माधवा बोल रही है कि देखो भाई आपका सोल आपकी आत्मा और भगवान दोनों अलग है दोनों सेपरेट है और इसको तुम एक तरीके से इससे आजाद हो सकते हो भगवान के थ्रू मोक्ष प्राप्त कर सकते हो किससे भगवान के थ्रू पूजा के थ्रू भक्ति के थ्रू और ये पूजा करते हैं विष्णु भगवान का वर्षिप करते हो उन्हीं को एक सुप्रीम डायटिव मानते हैं सिक्किज्म और गुरु सिक्किजम कहाँ पे आता है नॉर्थ के अंदर आता है ये भी एक रिलीजियस ट्रेडिशन मूवमेंट था गुरु नानक इसको लीड करते हैं सिक्किज्म का फाउंडर कौन है गुरु नानक जी है और एक फाउंड किया जाता है फिफ्टीन सेंचुरी के अंदर ये बिलीव करते हैं एक भगवान के ऊपर और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट रिलीजियस डिविजन के अगेंस्ट बात करते हैं इनका जो टीचिंग है वो तीन कोर प्रिंसिपल से पहला कृत करो मतलब ऑनेस्ट वर्क ठीक है नाम जपो भगवान का नाम जपो भगवान को याद करो ये नहीं कि तुम खुश हो तो भगवान का याद कर लिया नहीं तुम दुख हो तो भगवान का याद कर लिया लेकिन खुश खुश रह हो तो भगवान को याद नहीं कर रहे हो भगवान को याद करो वंद चक्को मतलब शेयर करो लोगों से दूसरी चीजें तुम्हारे पास ज्यादा खाना है तो लोगों को दो ना चैरिटी करो इक्वालिटी और कम्युनिटी सर्विस देना तो ये सारी चीजें बिलीव करते हैं और इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करते हैं तो आज के लिए इतना ही आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और काफी इसी वे में मैंने समझाने की आप लोगों को कोशिश करी है तो वो एक बार फिर से बता देती हूँ पहले तो हमने पढ़ा पहले तो हमने क्या पढ़ा भक्ति ट्रेडिशन कहाँ से स्टार्ट हुआ भक्ति ट्रेडिशन क्या बात करता है पुराने टेक्स्ट में कहाँ पे भक्ति ट्रेडिशन के बारे में मेंशन है फिर उसके बाद कैसे भक्ति ट्रेडिशन में जो सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम थी उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस भक्ति ट्रेडिशन के ऊपर सोफिजम और इस्लाम का कैसे इन्फ्लुएंस है फिर भक्ति ट्रेडिशन साउथ से स्टार्ट होता है साउथ के अंदर हमने आदिशंकराचार्य है निर्गुण भक्त सॉरी अलवार और न्यानास की बात करी अब मुझे आप कमेंट में करके पता है क्या बताना कमेंट में बताना अलवार किस चीज किस भगवान की पूजा करते हैं अन्यानस किस भगवान की पूजा करते हैं ठीक है ये आपको मुझे बताना है चलो भाई ये काम है आपका कमेंट सेशन में फिर उसके बाद हमने बात करा नॉर्थ के अंदर तो नॉर्थ के अंदर सेंचुरी आई थिंक सेंचुरी के अंदर पहुंचता है द वहां पे पहला हमारा निगुण भक्ति सगुन सिरगुण भक्ति ये दोनों बढ़ते है फिर उसके बाद हमने रिलीजियस रिलीजियस भक्ति मूवमेंट की बात करी थी आगे हम पढ़ेंगे ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इन पॉलिटी कैसे भक्ति मूवमेंट के अंदर सोशल और पॉलिटिकल आइडिया क्या होते हैं उभरते हैं ठीक है थीके? तो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं तो कल हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर जहां पे आपको मैं आगे के टॉपिक कवर कराने वाली हूँ तो बाय टेक केयर ध्यान रखना ख्याल रखना ऑल द वेरी बेस्ट